इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। की मंजूरी के बाद बेतहाशा ऐसे जो है वो इख्तियारात हासिल हो जाएंगे फ्रांस के हुकाम को, जिसके मुताबिक घरों में जो मुसलमान बच्चों को कुरान की तालीम दी जा रही है उस पर भी चेक होगा क्या पढ़ाया जा रहा है। मदारस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, जितने इस्लामिक सेंटर्स हैं उनके अंदर भी एक ऐसी जो है निगरानी, कड़ी निगरानी होगी और जो रियासत मुकर्रर करेगी वो पढ़ाया जाएगा। और ये साहब किस तरफ जा रहे हैं मामला? देखिए, फ्रांस जो है ना एक बानी है सेकुलरिज्म का। 115वीं सालगिरह के ऊपर ये उन्होंने बिल पास किया है। 115वीं सालगिरह थी कि रिलीजन हैज नो बिजनेस विद द स्टेट, कि रियासत का मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं, हम आज से अमन से रहेंगे। 115 साल का मतलब यह है कि आज से तकरीबन 1905 में और दुनिया में अमन हो जाएगा। और दुनिया में अमन होना चाहिए ना उसके बाद। बिल्कुल सही। पहली जंग अजीम तुम्हारे बाप ने लड़ी, दूसरी जंग अजीम तुम्हारे बाप ने लड़ी, तो चर्चा आ गया था, वो मुसलमान आ गए थे। तुमने रंग की बुनियाद पे, तुमने नस्ल की बुनियाद पे, तुमने जुबान की बुनियाद पे, तुमने इलाके की बुनियाद पे, तुमने 16-17 करोड़ बंदा मार दिया। रिलीजन को तो आपने धक्के देके 115 साल पहले निकाल दिया। जिस बुनियाद पर तुम्हारा मुल्क फ्रांस वजूद में आया उस बुनियाद पर तुमने करोड़ों बंदे मारे और आज तुम सिर्फ 250 लोगों की बुनियाद के ऊपर एक कानून पास कर रहे हो कि अब 2015 से लेकर अब तक 250 बंदे जो हैं वो मारे गए हैं और उसमें मुसलमान भी शामिल हैं, उसमें नॉन मुस्लिम भी शामिल। वजह यह है, आपने डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई, बड़े बला के आदमी थे। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने फ्रेंच फ्रेंच में कुरान शरीफ का तर्जमा किया है, अकेले वहां रहते थे, कमरा देखा मन को वहां जाकर। उनकी मेहनत इतनी बड़ी थी कि हर रोज 3 से 4 फ्रेंच मुसलमान हो रहे थे। अच्छा। और कहा जाता था कि फ्रेंच विल बी द नेक्स्ट कंट्री शरीयत नाफिज हो सकती है। अच्छा। ये बकायदा वो जो सर्वे था पीयू का 2007 में आया था कि यूरोप में पहला मुल्क ऐसा है फ्रांस कि जहां किसी ना किसी दिन शरिया लॉ नाफिज हो जाएगा। इतनी तेजी से मुसलमान बढ़ रहे। 3 से 4 लोग रोजाना, 50 लाख की इस वक्त तादाद है मुसलमानों की वहां पर, 50 लाख। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो शहरों में कंसंट्रेट करते हैं और शहर जिसके पास हो वही होते हैं। 5 मिलियन मुस्लिम। अच्छा, इस इन कानून के बाद क्या होगा? अच्छा, 50 लाख मुसलमानों के खिलाफ कंट्रोल करने हैं। सबसे बड़ी बात देखे, 347 वोट मिले हैं इसको, लेकिन 151 वोट और भी हैं कि जो वहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने कहा है कि भाई इस तरह तो मैं अगर अपने आप को यहूदी भी, यानी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो सेंटर है वो यहूदियों का फ्रांस में है। वो बेलवेल में उनके सैनोगार्स, मैंने खुद जाके देखो, उस पूरे इलाके में आपको कोई दुकान नहीं मिलेगी और सिवाय यहूदियों के। जिस वक्त इसराइल में 1967 में उन्होंने जंग जीती थी तो जो डेविड बिन गुरियान था उसने जश्न वहां फ्रांस में मनाया था। फ्रेंच ज्यूश हैं वो, क्योंकि जर्मन से बाकी वहीं आकर उन्होंने आकर बना ली थी वो सारे। अब इस और कानून में सिर्फ इस्लामिज्म ने इस्लाम को ब्रेड पर टारगेट किया। वो कहते ये हैं कि मेन स्ट्रीम मदरसे के अलावा आप किसी किस्म की कोई एजुकेशन जो है ना वो नहीं हासिल कर सकते, इवन इन द होम स्कूल। लेकिन उनको किसने कहा है कि होम स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जाता? तो ये इंटरनेट ये बंद कर देंगे, ये कुरान की तिलावत इसके अंदर से बंद कर देंगे, ये व्हाट्सएप बंद कर देंगे। 92 औरतें पूरे फ्रांस में हिजाब लेती हैं पूरे वाला, सिर्फ 92 जो मुकम्मल हिजाब होता है सिर्फ आंखें, क्योंकि सिक्योरिटी के खतरात हैं। और 92 औरतों के ऊपर 600 लोगों ने वोट दिया था एमपीज ने, उन 90 औरतों से डरते थे, सिर्फ 90 औरतों। अल्लाह ने पूरे फ्रांस को हिजाब पहनाया, कोरोना मर्द भी और औरत भी दोनों। यहां पर आता है आप पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल यह है कि वाहिद मुल्क है जिसने बहसियत मुल्क, मैक्रॉन का सदर है, बहसियत मुल्क सैयद अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाए। और हम इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत जो है टाइम ले रही है कि इतने टाइम लेंगे तो इतना टाइम ले, वो ना एक दिन नहीं लगाया। सुबह बिल पास पेश हुआ, शाम को पास हो गया।
आप कहते हैं नहीं, इन पार्लियामेंट के लोगों को जो यहां से खाते हैं, अल्लाह की इस धरती पर जिंदा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, इन पार्लियामेंट के लोगों को सुबह जाना चाहिए। छोड़े इमरान खान को, जय जरदारी जाए, जय मरियम नवाज के जितने भी पार्टी के लोग जाए, जाए हम पेश करते हैं बिल के लिए, कॉल ऑफ फ्रेंच एम्बेसडर को, यार देखो तुक है लेकिन नहीं जाएंगे। वो भी 20 अप्रैल तक इमरान खान भी मोहलत लेके बैठा है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द भी कुछ क्रोनी रहते हैं कि जिनके पेट में रसूलुल्लाह सल्लम के नाम के साथ इतनी तकलीफ उठती है, इतनी तकलीफ उठती है कि उन्हें अल्सर हो जाता है, ना जुबान का भी अल्सर होता है, और चूंकि बोल सकते नहीं है तो पेट का अल्सर तो उन्हें जरूर होता है। कहें फ्रेंच एम्बेसडर चला जाएगा, हमारी जनाब मरामदाद में कमी आ जाएगी, हमारा फ्राम है, तो तुम्हारी तुम पे सूद की लानत वैसे बरस रही है, तुम पे कर्जों की लानत वैसे बरस रही है, तुम दुनिया में जलील और रुसवा वैसे तुम हो, और तुम समझते हो कि तुम इज्जत हासिल कर लोगे, चार शर्टें बेच के, तीन जुराबें बेच के, पांच शूज बेच के तुम्हें तौकीर मिल जाएगी। थूकते नहीं है तुम्हारे मुंह के पर वो लोग, तुम फंडामेंटलिस्ट ना भी कहो तो तुम्हें फंडामेंटलिस्ट कहते हैं। मैंने आज से 9/11 से पहले हमेशा कहा करता था कि तुम्हें पुकारा करते थे ही इज पाकिस्तानी, ही इज अल्जीरियन, ही इज इजिप्शियन, अब वो नहीं कहते, ही इज मुस्लिम, वो बड़ा रहा सिर्फ यह खिताब करते हैं मुस्लिम, तुम्हारा नाम अगर अब्दुल्ला है, तुम्हारा नाम अगर अब्दुल रहमान है, तो तुम्हें किसी भी नस्ल से तुम गोरे, आपको पता है कि ये 3-4% जो मुसलमान हो रहे फ्रेंच है, 100,000 मुसलमान हुए थे पहले 8 सालों के अंदर इंग्लैंड के अंदर, एक उनकी तंजीम है फेथ मैटर्स, उन्होंने स्कॉटलैंड में एक सर्वे किया जाता है कि आप जिस घर में पैदा हुए उसका मजहब क्या था, एक खाना जो होता है, दूसरा होता है अब आपका मजहब क्या है, जब उन्होंने कंपेयर किया तो उन्हें हैरान रह गए कि हैं मजहब और उसका खाना दोनों में मुसलावार है। तो 100,000 मुसलमान, उसके बाद उन्होंने फेथ मैटर्स के साथ आगे भी स्टडी शुरू की, उससे पता चला कि 2-3 लोग रोजाना इंग्लैंड में मुसलमान होते हैं और 3-4 यहां मुसलमान। और दूसरी बात यह है कि वहां आपने सेकुलरिज्म में मॉडर्न सोसाइटी में यह हुआ कि आपने हर बंदे के हाथ में कंट्रासेप्टिव पकड़ा दिया, आपने हर एक बंदे के हाथ में जोश पकड़ा दिया, अब वो कहता है जहन्नम में गई ये मेरी औलाद। तो गाइज़ ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के ये पत्रकार डिस्कस कर रहे थे फ्रांस में जो नए कानून लागू हुए हैं कट्टरपंथियों को कंट्रोल करने के लिए, उसके बारे में डिस्कशन हो रहा था। आपको बता दें फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन एक मिसाल पेश कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने कट्टरपंथियों को जवाब दिया था, जब आपको याद होगा उस पत्रकार की हत्या हुई थी, उस टीचर की हत्या हुई थी जिसने एक कंट्रोवर्शियल कार्टून बनाया था, हालांकि उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इस्लामिस्ट ने समझा कि ये कार्टून उनकी भावनाओं को हीन करता है, हालांकि ये वही इस्लामिस्ट है जो दिन रात दूसरों को काफिर और उल्टा सुल्टा बोलकर भावनाएं हीन करते रहते हैं। आपने अक्सर सोशल मीडिया में देखा होगा, और इसमें कोई झूठ नहीं है, अगर कोई किसी को लगता है ये झूठ है तो फिर डेफिनेटली बहुत बड़ा ईडियट है वो। तो इस तरीके की मतलब बर्दाश्त करने की खुद को क्षमता नहीं, और दूसरों को दिन भर टॉर्चर करना एक आदत सी बन गई थी। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इस कानून की, इस कानून के अंतर्गत ये होगा, ये एक प्रकार से आपको बता दें कि इस कानून में सिंपल सा फंडा है सभी लोगों के लिए, मतलब देश के किसी भी नागरिक के लिए कोई भी कानून मतलब उनके धर्म के हिसाब से नहीं होगा, उनकी कंट्री के हिसाब से होगा। ये मतलब एक प्रकार से आप समझ लें यूनिफॉर्म सिविल लॉ, जिसकी बात इंडिया में काफ़ी लंबे समय से हो रही है कि भारत में एक यूनिफॉर्म सिविल लॉ होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि धर्म के आधार पर मतलब हर व्यक्ति की सज़ा डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, देश के आधार पर मतलब देश का कानून एक होना चाहिए, सभी व्यक्तियों की सजाएं भी एक होनी चाहिए, इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आपको पता होगा भारत में हिंदू डिवोर्स होगा, मुस्लिम डिवोर्स होगा, क्रिश्चियन डिवोर्स होगा, तीनों के डिफरेंट टाइप के लॉ रहते हैं, और शादियों के भी डिफरेंट टाइप के लॉ हैं, तो मतलब आप समझ सकते हो ये टोटली डिफरेंट मामला है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए और यहाँ पर जैसे कोई फतवा दे दे तो वो फतवा मान्य नहीं होगा, भारत का मतलब फ्रांस का जो कानून रहेगा वो फ्रांस में कोई फतवा वगैरह मान्य नहीं होगा, केवल फ्रांस का जो कानून होगा उसी के हिसाब से कंट्री चलेगी। आपको बता दें फ्रांस में ज़्यादातर मुस्लिम शरणार्थी के रूप में आए थे, मतलब जैसे किसी दूसरे देश में वॉर चल रही है तो वहाँ से जो शरणार्थी आए वो जा जा कर बसे हैं, और फ्रांस में मुस्लिमों की तादाद लगभग 50,00,000 से ऊपर है।
तो दोस्तों यहाँ पर होता है ये वीडियो ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा? पाकिस्तान के इस जिहादी पत्रकार की बातों को तो रिएक्शन देने का सवाल ही नहीं उठता। ये तो एकदम बेवकूफ़ है, आप जानते हो। रिया मकबूल जान है, इसने तो ऐसा कुछ कोट किया था कि आपने देखा होगा, इसका एक बार बहुत पुराना वीडियो था जिसमें इसने बोला था कि कुरान में लिखा है कि इंडिया का अंत करेगा चाइना। मतलब आप समझ सकते हो इस तरीके की इसने बेवकूफ़ी भरी बातें करी हैं कुरान हदीस का सहारा लेकर। मिसकोट किया होगा ऐसा डेफिनेटली। आपको भी पता है कि चाइना तो चाइना नाम की तो कोई कंट्री ही नहीं थी। ऐसा कुछ मिसकोट कर करके मतलब इन्होंने ब्रेन वॉशिंग की है और बस इनकी दुकानें चल रही हैं। इनके दिमाग में केवल एक ही चीज़ है, इस्लाम इस्लाम, ये वो, बस कन्वर्जन करेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कयामत हो जाएगी, सारी लोग मुसलमान बन जाएंगे। इससे ऊपर ये नहीं जा पाए हैं तो इनको छोड़ो, इनके बारे में कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप भी समझ सकते हो, फ्रांस देश, फ्रांस एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसके इंडिपेंडेंट लॉ है, लेकिन पाकिस्तान को क्यों आग लग रही है? ये रिएक्शन अरब कंट्रीज से नहीं आया, आपको भी पता है अरब कंट्री इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं है इनके जैसे। ये कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा इंजेक्टेड बाय वहाबिज़्म है तो इस तरीके की बातें करते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।